हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ये देखिए मम्मी पूजा करके आई है, आरती दे रही है। एंड ये देखिए डोडो सुबह सो उठ के क्या खा रहा है। क्या खा रहे हो बेटू? सॉरी, जेम ब्रेड। और ये देखिए सुबह सुबह ब्लू ब्लू पूरा पहन लिया है, पहन के बोल रहा है कि पापा चलोगे मैदान खेलने के लिए। तो ठंडी बहुत है, तबीयत मेरा भी ठीक नहीं है, बेटा का भी ठीक नहीं है, इसीलिए अभी ठंडी में निकल नहीं रहे। लेकिन मैदान में जाना तो जरूरी है यार। साथ दो दो बार अलार्म लगाता हूँ, नींद ही नहीं टूटता, पता नहीं क्या करूँगा, समझ में नहीं आता। तो जैसे जो होता है, अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा पीछे में कचरा जमा हुआ है तो उसको बर्न कर देता हूँ, मैं आग लगा देता हूँ ताकि वो जल जाए, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी वाला आता नहीं है और साफ कोई करता नहीं। पेड़ सब में पानी दे देता हूँ, तो चलते हैं, जैसे जो होता है आपको दिखाते रहते हैं, साथ बने रहिए। मेगलाडॉन कहाँ पे है? मेगलाडॉन अभी पानी नहीं नहाया, भाग गया। ये आप देख सकते हैं कितना कचरा जमा हुआ है, तो इन सबको जलाना जरूरी है। बस चलते हैं, इन सबको जलाते हैं, जला के जैसा जो होता है उसे मिलते हैं। तो साथ बने रहिए और पेड़ में भी पानी लगा देते हैं। मैं तो मन था हर रोज एक पेड़ लगाने का, बट कर समय नहीं मिल पाता, आपको तो सब पता हो, टाइम नहीं मिल पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मंदिर और ये डोडो बैठा हुआ मेरे साथ जाएगा। देखिए पापा पानी भर रहे हैं। क्या करोगे? मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल देखते देखते तुम्हारी नींद खराब हो गई, तुम सोना नहीं चाहते, कुछ नहीं देखना है। मैं टीवी ला दूंगा, टीवी देखना। चल दिए हम पीछे की तरफ, देख सकते कितना कंजेस्टेड है, देखते हैं। पेड़ तो हम लोग बहुत सारा लगाए हैं, बट तो ये देखिए डोबा माइन का, ये जंगल था तो पापा काट दिए इसको, पेड़ को, तो कोई नहीं फिर से हो जाएगा, पूरा नहीं काटे हैं। तो लोग आए हैं, फायर बर्न कर आग जला देते हैं, तो जो होता है करते हैं। ये देखिए पापा भी नाश्ता कर रहे हैं वहाँ, और मेरा बैग पैक हो गया। ये देखिए बैग पैक हो गया, बैग में टिफिन पानी का बोतल आ गया है। अब निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस में मिलते हैं, तक लिए बाय। जैसा कि देख रहे हैं ऑफिस से बैंक का छुट्टी है, सेकंड सैटरडे सेकंड फोर्थ बैंक का हॉलीडे रहता है, तो आज ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं। तो देखते हैं जैसा जो होता है सुबह सुबह। मम्मी पापा से थोड़ा कहा सुनी हो गया, ऐसे ही अपने में बात की, बोले मुझे डांट फटकार लगा दिए, मूड ऑफ हो गया। कोई नहीं, आप ऐसे ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं। मुश्किल से काम मिला आज, बोला था जैसे कि सैटरडे है, काम होगा नहीं कुछ, तो बहुत मुश्किल से मिला। नींद आने लगा था, बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो सर बोले कि ये सब सामान खत्म हो गया, जाके जाने लगे, बाहर निकल गए, जा रहे लेके आ रहे हैं। ठंडी के दिन का बात ही कुछ अलग होता है यार, विंटर सीजन का कलकत्ता का बात इतना मज़ा आता है, देख सकते हो कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितना अच्छा मौसम है। और आज भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज सैटरडे आता है, बैंक सैटरडे से बैंक बंद कर बंद रहता है, बस साथ में रहिए। और ये देखिए महासर, ये देखिए महासर,
इसीलिए तो हम फोन कर रहे थे कि चाय पिए, दोनों जन मिलके चाय पिए। चलो यार चलिए चाय पीते हैं, आज खड़े रहिए, बैठ देते हैं आपको जैसा जो बनाने का दोनों बात है। हम लोग का मेन बिल्डिंग है डायमंड हेरिटेज और ये ठीक सामने में उसके अपोजिट साइड में HMP हाउस है, हेमराज महावीर प्रसाद। और हम अभी खड़े हैं ईस्टर्न रेलवे के सामने, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर से। ये स्ट्रीट फूड का इलाका है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड आपको इतना मिलेगा, दोपहर के टाइम में यहाँ पे चलने का जगह नहीं रहता, पूरा भरा हुआ रहता है। हेलो एवरीवन, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं मिनाल हमसे पहले आज खाना खाने बैठा है भैया। देखिए आज थोड़ा ऑफिस जल्दी जल्दी बंद होगा, छुट्टी हो जाएगा हम लोग का, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेंगे। तो चीना बाजार से गए थे लाने के लिए सामान, सब चीना बाजार में तो लगता है तो छोड़ चुका है, उसका सामान जम गए हैं। चीना लेना कुछ लाना था तो सब ले आए हैं, कुछ अपने दुकान के लिए सामान लेके आए हैं। ये देखिए जैसे सब प्रिंटर का इंक लेके आए हैं और फोटो पेपर ख़त्म हो गया था वो लेने लिए हैं। टोटल बिल 800 का हुआ है। आई विल शो यू इन द इवनिंग और आई हैव परचेस फ्रॉम द चीना बाजार। मिलते हैं लंच करने के बाद, देखते हैं कहाँ का काम मिलता है। अभी तो अचानक से सर बोल रहे थे कि निको पार्क जाने के लिए, निको पार्क इट इज फार अवे फ्रॉम आवर ऑफिस, मतलब बहुत दूर है हमारे ऑफिस। मैं मुंबई में बैठ गया, जैकेट गिफ्ट, जैकेट में कैसा लग रहा है देखने के लिए, बार बार खींच रहा है, मतलब वो कैसा दिख रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा दिख रहा है। आप लोग क्या लुक सामने देखते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। चलते हैं आज सैटरडे था, 3 बजे छुट्टी, हाँ देख लीजिए 3 बजे छुट्टी हो गया तो बस अब निकल रहे हैं घर की तरफ। देखते हैं रास्ते में बाइक रिपेयरिंग का दुकान है तो बाइक अगर रिपेयरिंग होता है तो थोड़ा बाइक का शॉकर में प्रॉब्लम है, शॉकर रिपेयर करवा देते हैं, जैसे जो होता है आपसे शेयर करते हैं। और मिनाल को आज भर के लिए टाटा बोलते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो बस सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और सबसे कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ज़रूर कीजिएगा। हम लोग छोटा छोटा ब्लॉग बनाते हैं लेकिन दिल से बढ़ाते हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सोमवार। अभी आने के बाद थोड़ा सा सो गए थे, आज डोडो बोला पापा जैसे सैटरडे है तो सैटरडे संडे को घूमने सब तक घूमने जाते हैं, तो बोला पापा थोड़ा घूमने चलेंगे तो जा रहे हैं उसको पार्क में लेकर, थोड़ा देखते हैं खाएगा तो खिला देंगे। एक स्टडी टेबल लेना था, देखते हैं उस पर बार्गेनिंग करेंगे, अगर अच्छा लगे तो एक स्टडी टेबल ले लेंगे। बस निकलते हैं फिर, तो उसको खोजेंगे कहाँ भाग गया खेलते खेलते, तो उसको ढूंढते ढूंढ के लेके आके फिर निकलते हैं, फिर आपको डायरेक्ट दुकान पर मिलते हैं। उसका हमेशा मन चेंज होते रहता है, जस्ट राइट नाउ अभी वाइफ भी बोली उसका मूड सही हो गया, मूड खराब करना दे तो बोली तो मैं भी, तो बस हम और वाइफ चल दिए अभी थोड़ा सा मार्केट की तरफ, देखते हैं क्या खरीदते हैं। स्टडी टेबल लेना है, लोगों के लिए शूज़ लेना है, स्पोर्ट्स शूज फॉर द रनिंग ओनली, एंड She wants to purchase a sweater. So, अगर वो स्वेटर खरीदती है तो पापा के लिए भी एक स्वेटर लेना है, तो देखते हैं जैसा जो होता है मार्केट में आपको अपडेट करते हैं, साथ बने रहिए। और जब सब हंस मतलब खुश रहना तो कुछ भी काम करने में मज़ा बहुत आता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, बने रहिए घर में। पहले सबसे पहले तो आई हैव टू फाइंड माई डुगू, अरे बाहर में घूम रहा है कहाँ है पता नहीं, अब उसको पकड़ेंगे टोपी पहनाएंगे तब लेके जाएंगे। चिल्ड्रेन बाय, वेट कीजिए बताते हैं आप। ठीक हो, जंगली को पकड़ के लेके आ गए, जंगली कहाँ गए थे, जंगली देखिए जंगली फलक को छोड़ने,
पायल पलक को तुम ट्यूशन छोड़ने गया था अनोखी दीदी के साथ। जंगली को पकड़ के लेके आए हैं और चलते हैं देखते हैं क्या खेलते हैं। देख डोडो का स्टडी टेबल हो गया, ये अपना लोकल दुकान है, यहाँ पे आए थे लोग सामान खरीदने के लिए स्टडी टेबल। तो डोगो का शूज हो गया, स्टडी टेबल हो गया, लेके आपको स्टडी टेबल दिखाते हैं। मनी पैसा लो, ये रहा डोडो का स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल हुआ। देखते हैं कैसे क्या होता और क्या लेता है वो बताते हैं आपको। उसके पाँव में कोई शूज हो ही नहीं रहा, कौन सा शूज हुआ? अच्छा लग रहा है तो बड़ा, तो बड़ा देखिए खुद से पहन है कि 9-10 का जो ग्रुप आता है ना ग्रुप के बाद जब 6। ये देखिए अपना शूज लेके बहुत खुश है, दो खुश है ना शूज लेके, कैसा लग रहा है? 400 रुपये में आएगा, मेरे को तो 1000 रुपये का लग रहा है। तो देखते हैं बार्गेनिंग करते हैं बताते हैं। तो के लिए जैकेट लेने के लिए आए हैं, ये देखिए टोटो कैसे बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है टोटो। वो बोल रहे थे कि जैकेट के लिए, देखते हैं कैसा जैकेट मिलता है। बहुत सारा जैकेट का वैरायटी तो है, जैसा उनको चाहिए वैसा मिलता है कि नहीं आपको बताते हैं, बने रहिए लेने के बाद आपको दिखाते हैं। ये दुकान में जिद करके बैठ गया देखिए, हाँ स्पोर्ट्स दुकान से ले लेंगे चलो। देखिए भैया की दुकान में बैठने का जगह नहीं है और ये लेने के लिए धड़पड़ धड़पड़ कर रहा है। मेरे को भी जैकेट चाहिए, मेरे को भी जैकेट चाहिए। पापा के लिए ले लिए, पापा बहुत दिन के बाद एक चीज मांगे थे। पापा पहिया वाला जूता, हाँ पहिया वाला जूता, चलो ना पहिया वाला। देखो 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 ये 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 चलेगा, ये नहीं ये नहीं, और नो कलर दो दादा, हल्का पतलार मध्य नहीं, एमनि नॉर्मल पड़ार जन्य। देखिए भैया सब दिए जा रहे हैं और इसमें से एक भी नहीं, गेंजी टाइपर मध्य बोलचे क्या लोगे? खुल जाओ सिम सिम, देखो टोटो के लिए नया आ गया, देखो देखो टोपी वाला जैकेट सब आ गया टोटो के। कहाँ से खरीदोगे? स्पोर्ट्स वाले दुकान से खरीदोगे, ठीक है। टुकू का स्टडी टेबल ले लिए हैं, शूज ले लिए हैं, ये टुकू बैठा हुआ था, स्पोर्ट्स लेंगे, स्पोर्ट्स लेगा। इसी के साथ मिलते हैं, चलें बेटू चलें। लिए टुकू के लिए शूज लिए और एक टुकू का स्टडी टेबल लिए, मेरे को भी थोड़ा पढ़ने का मन है तो मैं उसी के ऊपर पढ़ाई करूँगा। तो जी ये रहा टुकू का स्टडी टेबल एंड ये देखिए डुगू का हाल, आके वो बदमाशी करने लगा, उसको स्पोर्ट्स शू चाहिए। ये वाइफ कॉलीफ्लावर ले ली पत्ता गोभी और ये रहा डुगू का पाम शू। कमेंट करके बताइए कैसा लगा डुगू, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। दुकान जाने में बहुत लेट हो गया, दुकान चलते हैं, कस्टमर लोग फोन कर रहे हैं, दुकान में जाके मिलते हैं। दुकान पहुँच गए हैं और ये अपना छोटा सा भाई है जो हमको घड़िया रहा था, आधा घंटा से खड़ा था, हो रहा ये 15 मिनट हुआ, ये आधा घंटा हुआ, यही है डुगू का सामान खरीदने चले गए थे, स्टडी टेबल खरीदे, जूता खरीदे और पापा के लिए स्वेटर खरीदे। तो बस खरीद के अभी जस्ट दुकान पहुंच रहे हैं, टाइम हो गया आपका 7:30, एज यूजुअल जो रोज होता है, फिर आपको बताते दुकानदारी कैसा होता नहीं होता।